मैं तो वरना लेने के लिए गया था। ऐसे गड्ढों पे जाती है तो लगती है, तो ये सब इसका वो है, ड्रॉबैक कह सकते हैं इसको। इसको टाइम टू टाइम में टाइट करवाना पड़ता है, नहीं तो खुल के निकल जाता है। मेरे 2 बार निकल चुके हैं, तो मैंने पीछे से इसको 3 इंच उठवा रखा है। ये बता दो भैया, इसका ओरिजिनल कलर कौन सा है? क्योंकि ये तो रैप है। जो पोलो में आता है मैंने इस पे लगवाया हुआ है। मुझे जरा जानना है, ये टायर जो बाहर होते हैं इसका चलान होता है? तो इसमें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती है ना पुलिस नहीं, पुलिस की? नहीं। हेलो दोस्तों, भी आज मैं लेके आऊँ आपके लिए, सामने देख लो यार, ह्यूंडई क्रेटा नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे माफिया क्रेटा। क्योंकि इस गाड़ी की जरा लुक्स तो देखो, एलॉयज देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं, और मेन बात है इस गाड़ी पे जो है रैप भी हो रखा है। तो जरा इस गाड़ी के ओनर से हम बात करेंगे, इस गाड़ी का ओरिजिनल कलर कौन सा है और कैसे मन में आया ये सब काम कराने का, क्योंकि बहुत ही अच्छी खासी मॉडिफाइड ये हो रखी है। ऊपर रूफ रेल्स पे भी आप देख सकते हो कितना काम हो रखा है। तो मैं आज इस गाड़ी का प्रॉपर एक ओनरशिप रिव्यू शूट करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे भाई से कब उन्होंने ली, कितने में उनको पड़ी, और मेन बात है सारा काम उन्होंने कहां से कराया और कैसे उनके दिमाग में आया ऐसे कुछ एलॉयज डलवाने के लिए। मैंने तो क्रेटा में ऐसे एलॉयज है ना ये पहली बार देखे, जरा आप लोग बता दो आपने कहीं देखे हैं नहीं देखे। और मेरे चैलेंज की एक और नई वीडियो, एक और नई गाड़ी आपके सामने आज खड़ी हुई है। तो मेरा चैलेंज क्या है, 6 मंथ चैलेंज जर्नी चलिए, जिसमें आपको सपोर्ट करना है चैनल को सब्सक्राइब करके। अब ज्यादा देर नहीं करते हैं और सीधे इनके उनके पास चलते हैं। तो क्या हाल भैया? बढ़िया भैया, आप बताओ। बस बहुत बढ़िया भाई, नाम बताओ सबसे पहले। सौरभ नाम है। सौरभ भाई, सौरभ भाई से हम पहले भी मिल चुके हैं इसी क्रेटा के साथ। हाँ, इसी के साथ। तब उसमें इतना काम नहीं था जितना आज हो चुका है, तो इसी चक्कर में क्रेटा मुझे दोबारा से खींच लाई है कहां, सौरभ भाई के पास। तो सबसे पहले भाई मैं सौरभ भाई का एक बता देता हूँ कि चैनल भी है, किस नाम से है? सौरभ 889 से है। तो उस पे क्या कंटेंट डालते हो? इसी से मॉडिफिकेशन रिलेटेड डाल देते हो। अच्छा, गाड़ी से रिलेटेड? हाँ, या तो कहीं घूमने जाते हो ट्रैवल ब्लॉग भी बना के डाल देते हो उस पे। ओके ओके ओके, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे सौरभ भाई जरा ये बता दो, गाड़ी कब ली, कितने में पड़ी, कौन सा वेरिएंट है ये? 2021 में ली थी, एसिक्स मॉडल है, टॉप मॉडल है, जो सनरूफ के साथ आता है। इसके ऊपर ऑप्शनल आता है, ऑप्शनल नहीं लिया, एसिक्स लिया हमने। ओके, पेट्रोल वेरिएंट है। ओके, कितने में पड़ी थी ये? 15.78 लाख की थी। 15.78 लाख। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ भाई सौरभ भाई, जब ये गाड़ी आपने ली थी तो उस टाइम पे होता है ना बंदे का के कुछ गाड़ियां शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो आपने कौन कौन सी गाड़ियां देखी थी? मैं तो सेडान लेने का मेरा मन था, पर घर वालों का था कि थोड़ी सी एसयूवी टाइप में चाहिए। मैं तो वरना लेने के लिए गया था, पर उनको पापा वगैरह को क्रेटा पसंद आई, तो फिर हमने एक क्रेटा ही बुक करी थी। अच्छा, सेडान लेने का मन था? सेडान लेने, इसमें भी 4 महीने की वेटिंग थी। अच्छा, तो 4 महीने की वेटिंग पे फिर हमें मिल गई थी ये। कितने टाइम में मिल गई थी? चार चार महीने में मिली थी। चार महीने में मिली थी। ओहो, सौरभ भाई आपने देखी है नई क्रेटा भी आ चुकी है अब? हाँ, नई क्रेटा है। तो क्या कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार नई वाली ले लेता? नहीं, मेरे को तो ये सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि आपने बेस्ट बनाई हुई है। मैंने बेस्ट बना रखी, मैंने एलॉयज की वजह से मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जब हमने देखी थी तब रैप तो थी? सिर्फ रैप था उसमें, कोई एलॉयज नहीं था, कुछ नहीं करवा रखा था हमने। तो अब जरा सौरभ भाई मुझे फ्रंट से बताते चलो, पहले ये बता दो कितने किलोमीटर चला लिया आपने? ये 29,000 किलोमीटर चली है। 29,000। तो मॉडिफिकेशन के बाद थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आपके साथ कि गाड़ी चलने में कैसी है, ड्राइव क्वालिटी कैसी है और कंफर्ट लेवल इस गाड़ी का कैसा है। तो 29,000 भाई ने चला चुके हैं, लेकिन अब आ जाते हैं मॉडिफिकेशन पे। सौरभ भाई जरा फ्रंट से बताते चलो क्या क्या काम आपने इसमें करा रखा है। फ्रंट में मैंने लाइट डलवा रखी, LED डलवाई है। डीमन भी है क्या इसमें? नहीं, इसमें डीमन का ऑप्शन ही नहीं है पहली बात। अच्छा, अगर हम बेस मॉडल लेते तो उसमें प्रोजेक्टर आता, तो हम उसमें डीमन लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगा सकते कुछ भी। ओके, बाकी मैंने ग्रिल को पेंट करवाया हुआ है मैट ब्लैक में। ये पेंट है? हाँ जी, सारा पेंट करवाया हुआ है। ओके, नीचे स्प्लिटर किट कहते हैं, कार्बन फाइबर में लगवा रखी है मैंने। यार ये स्प्लिटर किट लगवा तो रखी है, इसको बड़े संभाल के चलाना पड़ता है। इसको संभाल के, इसको टाइम टू टाइम में टाइट करवाना पड़ता है, नहीं तो खुल के निकल जाता है। मेरे 2 बार निकल चुके हैं ये। मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी लूज पड़ा है। अभी हो जाता है टाइम से, यहाँ से टूट भी चुका है क्योंकि 2 बार गिर चुके थे ये। बाकी मैंने सब कुछ ब्लैक करवा रखा है, सारा सब कुछ ब्लैक। अच्छा, क्रोम का टच तो गाड़ी पे कहीं भी नहीं है? कहीं पे भी नहीं है। ओके, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये सामने जो है ये स्प्लिटर्स हो गए हैं, भाई ने जो है डीक्रोम इसका जो लोगो करा रखा है, ग्रिल भी भाई ने इसकी डीक्रोम कर रखी है। और दूसरी बात है कि भाई ने ये लाइट जो है ना, लाइट में क्या बता रहे थे आप, लाइट में करा? मैंने LED लगा रखी है। अच्छा, LED इंस्टॉल करी लगा रखी, वो येलो हैलोजन की जगह LED, क्योंकि थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये बता दो भैया इसका ओरिजिनल कलर कौन सा है, क्योंकि ये तो रैप है। ओरिजिनल ब्लैक है, ग्लॉस ब्लैक, इसमें सैटिन ब्लैक करवाया हुआ है। ओके, तो इसमें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती है ना पुलिस पुलिस की? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पता ही नहीं चल रहा क्योंकि कंपनी भी देने लग गई है अब ये कलर। हाँ, कंपनी से भी कलर आ जाए निकाल दिया। ओ भाई, है तो अपना ब्लैक ही वैसे भी। हाँ जी, ब्लैक है नीचे बेस। चलो भाई, अब आ जाते हैं जरा एलॉयज पे, लेकिन ये अपना साटन है ना या ग्लॉस है? सैटिन ब्लैक है। सैटिन ब्लैक है? हाँ, सैटिन ब्लैक है ये। ओके, तो ये रैप तभी का है या उसके बाद कुछ कराया? नहीं, वो उसी टाइम का ही, अभी कुछ नहीं करवाया मैंने। अभी आप सोच भी रहे थे इस पे कुछ चेंज कराने की? हाँ, इसका रैप चेंज करवाऊंगा, ब्लैक में ही करवाऊंगा। अच्छा, अब जरा एलॉयज पे आ जाते हैं, एलॉयज के बारे में डिस्क्राइब कर दो जरा। एलॉयज मैंने प्लाटी के लगवाए हैं, 18 इंच के टायर है, और जो टायर है वो चाइनीज डलवाए हैं,
ये मेरे को समवेयर 97-98,000 के पड़ गए थे और कुछ वो सेंसर वगैरह मिला के, इसमें एयर प्रेशर सेंसर होते हैं, मिला के 1,00,000 तक पड़ गए थे मेरे को। अच्छा, 1,00,000 तक के एलॉयज पड़ गए। हाँ जी। ओके। और टायर भी भाई मैं देख रहा हूँ कि फेंडर से काफी ज्यादा बाहर है। बहुत बाहर है, इसमें कोई स्पेसर नहीं लगाया हुआ है, नेचुरली बाहर आए हुए। अच्छा, मुझे ये बताओ सौरभ भाई के स्टॉक पे क्या माइलेज देती थी गाड़ी? स्टॉक पे देती थी 12-13 की, अब इसकी माइलेज है 6-7 की। सिर्फ 6-7 का माइलेज? माइलेज है बस। क्या बात है यार, 6-7 के माइलेज में चला रहे हो। हाँ जी। तो इतना ड्रॉप आ जाता है? एक तो टायर का ड्रॉप है, प्लस पीछे एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। अच्छा, एलॉय तो आपने लगा रखे है, लेकिन ये कुछ लिफ्ट विफ्ट का भी सिस्टम है क्या इसमें? हाँ, मेरे को था कि ये जो मेरे फेंडर है ये सारे टूटने लगे हैं। अरे बाप रे। क्योंकि ऐसे गड्ढों में जाती है तो लगती है, तो ये सब इसका वो है, ड्रॉबैक कह सकते हैं इसको। हाँ हाँ। ये चारों जगह की टूट गई है, तो मैंने पीछे से इसको 3 इंच उठवा रखा है, क्योंकि पीछे भी काफ़ी टूट गया था। पीछे ज़्यादा, अब जैसे कोई स्पीड ब्रेकर आया तो उस पर गाड़ी बहुत तेज़ नीचे लगती थी, तो इसलिए मैंने 3 इंच उठवा दिया। तो अब ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि गाड़ी नीचे वहाँ कहीं। तो आगे से नहीं उठवाई? आगे से नहीं उठवाई, पीछे से उठवा दी। ओके। वो लग भी रही है भाई, वहाँ से स्पेस ज़्यादा दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। ओके। अच्छा, माइलेज आप बता रहे थे कि भाई इतना ड्रॉप हो गया कि अब 6-7 का दे रही है। 6-7 की माइलेज है। क्या बात है। अच्छा सौरभ भाई, साइड से आपने क्या काम करा है? सबसे पहले तो ये जो लिखा हुआ है भाई, सिनिस्टर लिखा हुआ है। सिनिस्टर? अच्छा, हाँ सॉरी, सिनिस्टर लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? ये डेविल मतलब है, तो इसलिए गाड़ी का नाम देने के लिए मैंने लिखवाया। एक शैतान टाइप था ना वो? शैतान टाइप का नाम। कौन सी मूवी थी वो? सिनिस्टर ही मूवी है वो। सिनिस्टर मूवी है वो। सिनिस्टर ही मूवी थी। ओके भाई, साइड में भी जो जो करा रखा है, जैसे आपने आरवीएम पे क्या करा रखा है, जरा उसको भी डिस्क्राइब करो। कार्बन फाइबर का रैप करवाया हुआ है, बाकी ये ग्लॉस ब्लैक में रैप है। ओके। साइड में भी कार्बन फाइबर का ही रैप है। ओके। पीछे मैंने बैटमैन स्पॉइलर है, जो पोलो में आता है। बैटमैन स्पॉइलर? हाँ जी, जो पोलो में आता है मैंने इस पर लगवाया हुआ है। हाँ। ऊपर रूफ रेल्स लगा रखी है मैंने, बल्की लुक देने के लिए लगाया था, क्योंकि मैंने एलॉय और इसके बल्की लुक कॉम्बिनेशन बनाया। हाँ, बल्की कॉम्बिनेशन देने के लिए मैंने रूफ रेल्स लगवाई है। बाकी सब कुछ ब्लैक है पीछे। सब ब्लैक ज्यादा पसंद है क्या आपको? हाँ, सब कुछ ब्लैक है। सौरभ भाई मैं कह रहा हूँ यार, आपने ये ऊपर जो लगवाई है सिल्वर में, अगर ये ब्लैक में होती ज्यादा अच्छी नहीं लगती? मैंने सोचा, मैं कहा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखते सिल्वर के साथ कैसा बैठेगा, तो सही बैठ गया था, तो इसलिए मैंने उसको वही रहने दिया। इसलिए भी ठीक लग रही है क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल रूफ रेल है ना वो सिल्वर में है। सिल्वर में है। और इसमें वैसे मैं आपको बता दूं कि भाई इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो उसको मैं सुनाने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। बाकी पीछे का क्या सीन है, जैसे भाई ने टोटल जो है, जैसे क्रेटा लिखा हुआ है वो डीक्रोम है, ह्यूंडई डीक्रोम करा रखा है, लाइट स्मोक करा रखी है, और भाई ने बैटमैन का स्पॉइलर। भाई स्पॉइलर से दिक्कत नहीं होती? हिलता विलता नहीं है ज्यादा? ये बिल्कुल फिट हो रखा है, सिलिकॉन से फिट करवाया हुआ है इसको। अच्छा। कुछ भी दिक्कत नहीं है हिलने की। ये कितने का पड़ा था स्पॉइलर? 5,500-6,000 का था। अच्छा, 5,500-6,000 का था। तो इंटीरियर में कुछ काम हो रखा है क्या सौरभ भाई? इंटीरियर पे नहीं करवाया मैंने, सिर्फ अच्छा। थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम डलवाया हुआ है। हाँ हाँ। जिसमें 4 कंपोनेंट्स, एक ब्लाउपंट की बेस ट्यूब है, और नीचे साउंड बैरियर का शायद वो है, वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, एम्पलीफायर है। ओके चलो। और इंटीरियर फिर क्या मतलब माइंड में है कि आगे कराना है या नहीं? मेरे को इंटीरियर का कोई शौक नहीं है, मेरे को है कि गाड़ी बाहर से बढ़िया होनी चाहिए। आप तो मेरी तरह सोचते हो थोड़ा सा। हाँ, मेरे को सिर्फ बाहर से बढ़िया बनानी गाड़ी, अंदर का मेरे को कोई शौक नहीं है इसमें। अच्छा, ऐसे नहीं कि अंदर से ये बदल देंगे वो बदल देंगे? नहीं, कोई शौक नहीं, पर बाहर से पूरी बदल देंगे। पूरी बाहर से बनानी थी गाड़ी। मुझे ये बताओ यार, ये मॉडिफिकेशन तो आपने करा ली है। हाँ। वैसे तो मैं पूछता हूँ स्टॉक गाड़ियों के नेगेटिव पॉइंट्स, लेकिन इस मॉडिफिकेशन के बाद आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट समझ में आए इस गाड़ी के? नेगेटिव पॉइंट यही है कि गाड़ी को उठवा के सारा ठीक हो गया, बस इसको थोड़ी सी फिटिंग करवानी है, या तो फिटिंग हो गया तो नया लगेगा, बस यही होगा इस पे। अच्छा, यही नेगेटिव समझ में? यही नेगेटिव पॉइंट। बाकी तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप इतनी मॉडिफिकेशन कराते हो तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज आपको भी करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ही, जैसे स्प्लिटर्स हैं ये लूज हो जाते हैं, लूज होते हैं, इनको टाइट करना है। बाकी थोड़ा बहुत पुलिस रोकेगी। अच्छा, पुलिस रोकती है भाई? ये आपने जो शीशे भी काले कर रखे हैं, करा रखे हैं, थोड़े टायर भी बाहर है। अच्छा, इस पे एक बात बताओ यार सौरभ भाई, मुझे जरा जानना है, ये टायर जो बाहर होते हैं इस पे चलान होता है? अभी तक तो मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोलते हैं तो शीशों के लिए बोलते हैं, अभी और किसी के लिए नहीं। एक बार बोला था कि गाड़ी की रैप करवा रखी है, तो किसी और पुलिस वाले ने बोल लिया था नहीं नहीं कब कंपनी यही कलर देती है, तो उनको कुछ आइडिया, उनको पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब है कि अगर आप अतरंगी रैप कराओगे तो पक्का चलान कटेगा? कोई और कलर करवाओगे, ब्लू करवा लिया, ये करवा लिया, तो पकड़े जाओगे फिर। और उसका एक रीजन भी है ना भाई, आप गाड़ी की पहचान छुपा रहे हो। हाँ, पहचान छुपा रहे हो। अच्छा सौरभ भाई, मुझे ये बताओ कि अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपने इस गाड़ी में कितने रुपए लगा रखे हैं? मैं अब तक मैं 3.5-4 लाख रुपए तक लगा चुका हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी।
ओ भाई साहब 3.5-4 लाख रुपए इस पे लग चुके हैं। और एलॉय कितने के बता रहे थे अब? 1 लाख तक के पड़ लाख के तो एलॉयज ही हो गए भाई। ये है देखो ओल्ड क्रेटा, और बहुत लोग ऐसे हैं सौरभ भाई जो आज भी क्रेटा लवर हैं, है ना, उनको नहीं समझ आई वो नई वाली। उन्होंने बोला कि बल्कि जो एक था ना कि बल्कनेस थी वो खत्म हो गई, वो थोड़ी हो, हाँ थोड़ा सिलीक सी हो गई है, तो ऐसा कुछ है। तो सौरभ भाई मतलब अंदर से तो कोई प्लान नहीं है आपका? कितना कुछ प्लान नहीं है, जो भी है सब बाहर से गाड़ी बनाने का प्लान है बस। ओके, तो बाहर से कुछ और कराने का मन हो? अब इसका रैप चेंज करवाने का प्लान है। अच्छा, कौन सा कराने वाले हो? ब्लैक में ही देख रहा हूँ, ब्लैक में भी देखूंगा कौन कौन से है ताकि लीगल रहे। लीगल रहे, मैं बोल तो सकूं कि बेस ब्लैक है मेरा। और एलॉय वेलॉय कुछ चेंज करने का मन? एलॉय तो मैंने अभी लगवाया है, अभी मेरे को 2 महीने हुए बस लगवाए हुए। भाई एक बात है कि एलॉय इतने प्यारे लग रहे हैं क्योंकि मैंने और किसी क्रेटा में देखे नहीं। मैंने भी नहीं देखे। नहीं देखे ना? नहीं, मैंने तो मुझे तो ऐसा लग रहा है हम बोल सकते हैं पहली क्रेटा है। हाँ जी बिल्कुल। बाकी देखो ओवरऑल भाई ने बताया 3.5-4 लाख रुपए इस गाड़ी में लग चुके हैं, है ना। तो इस गाड़ी का जरा एक बार ओवरव्यू देता हूँ, आप इस गाड़ी को चेकआउट करो कितनी बढ़िया लग रही है। और भाई इसको बोलते हैं माफिया क्रेटा। हाँ जी माफिया क्रेटा। और इसकी अगर रील आपको चेकआउट करनी है तो भाई का जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं भी इसकी 1-2 रील अभी शूट करने वाला हूँ, वो भी वहाँ पे पहुंच जाएंगी। तो भाई इस गाड़ी में मुझे मॉडिफिकेशन बस आपको दिखानी थी। और एक्सपीरियंस क्या है कि भाई ने कितने किलोमीटर चलाई आपने? 29,000 चला। अच्छा मुझे जरा ये बता दो, थोड़ी सी बात बेसिक भी कर लेते हैं कि क्या ड्राइव क्वालिटी है इस गाड़ी की? ड्राइव क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज में बढ़िया गाड़ी। पीछे से जैसे पीछे बैठते हैं तो फैमिली का कुछ रिस्पांस मिला कि हाँ ठीक है? बिल्कुल कंफर्टेबल है, बहुत सीटिंग भी बहुत स्पेशियस है इसमें। ओके, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो यार भाई रेटिंग की बात आती है लास्ट में, तो भाई ने तो गाड़ी तैयार कर दी है लेकिन रेटिंग कौन देगा? आप लोग आउट ऑफ 10 इस माफिया क्रेटा को आप जरा रेटिंग दे दो, कितने नंबर देना पसंद करोगे? 1 to 10 रेट कर दो जरा इस गाड़ी को। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो क्या करना है? लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बाकी भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मेरी जो 6 मंथ चैलेंज जर्नी चल रही है उसको जरा सपोर्ट करो। कैसे करोगे? यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके। चलो वीडियो अगर अच्छी लगी हो और गाड़ी आपको अच्छी लगी हो माफिया क्रेटा तो वीडियो को करना लाइक, बाकी चैनल पर करना तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।